सो गाइस आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं वीवो के T3 अल्ट्रा 5G डिवाइस के अंदर आपने फोन के अंदर नोटिफिकेशन स्क्रीन लाइट का यूज कैसे करेंगे। गाइस अगर आपके फोन पर कोई भी पर्सन कॉल करता है तो जो है डिस्प्ले के बॉर्डर साइड में कलरफुल लाइट ब्लिंक करती है, तो ये अकॉर्डिंग टू फोन होता है। बहुत सारे फोनों में अलग अलग इफेक्ट्स होते हैं, कुछ फोनों में कुछ मैक्सिमम इफेक्ट्स होते हैं, इवन जिनमें होता ही नहीं ऑप्शन उनके लिए भी थर्ड पार्टी एप्स होती है। हालांकि वीडियोज काफी सारी है, आई बटन को एक बार फॉलो कर लेना। जिन फोनों के अंदर सेटिंग्स नहीं है वो भी इस सेटिंग्स का यूज कर सकते हैं। वेल गाइस इसका एक्सेस आउट करने के लिए सबसे पहले तो हमें सेटिंग्स को ओपन करना होगा, जो हमने ऑलरेडी पहले से ओपन करा हुआ है। इसमें एक सेटिंग्स होगी डायनेमिक इफेक्ट्स, इसको आपको प्रेस करना है। देन इस तरह से मल्टीपल ऑप्शंस आपके पास होगा। इसमें एक सेटिंग्स होगी एम्बिएंट लाइट इफेक्ट, इसको प्रेस करना है। एंड हमें इनकमिंग कॉल नोटिफिकेशन लाइट ऑन करनी है, तो इसलिए स्क्रॉल करके नीचे आना, इनकमिंग कॉल्स वाला ये जो ऑप्शन है अगर आपका डिसेबल्ड है तो आप इसको इनेबल करेंगे, आपके फोन में ये चालू हो जाएगा। लाइटिंग इफेक्ट्स फॉर इनकमिंग कॉल्स मिल रहा है, इसको प्रेस करना। मैंने बताया था अलग अलग फोनों में अलग अलग टाइप्स के इफेक्ट्स होते हैं, मेरे केस में ये 3 इफेक्ट्स है, एक बार आप ट्राई कर लेना। कुछ फोनों में कलरफुल इफेक्ट्स भी होते हैं, तो एक बार इसको आप यहाँ से डेमो करेंगे और देखेंगे कैसा दिख रहा है कॉल आने पर हमारा लाइट। इसके बाद अगर आपको पसंद आता है जस्ट अप्लाई बटन प्रेस कर देंगे तो ये अप्लाई हो जाएगा। एंड जब भी कोई कॉल वगैरह आएगी तो डिस्प्ले के बॉर्डर साइड में ये दिखाई देगी। लेकिन मैंने इसको यूज करा, इसका जो बाय डिफॉल्ट वाला लाइट है गाइस वो मुझे पर्सनली इंटरेस्टिंग नहीं लगा जितना थर्ड पार्टी एप्स वाली यूज करने पे लगता है, क्योंकि उसमें मिक्स कलर वगैरह होता है ना, कॉम्बिनेशन एक तरीके का अच्छा बन जाता है और देखने में बढ़िया लगता है। तो इस अगर आप चाहें तो यूज कर सकते हैं, इसका भी कोई इशू नहीं है, या फिर आप थर्ड पार्टी एप्स यूज कर सकते हो, आई बटन में लिंक है, फॉलो कर सकते हैं।